गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी ने इसुदान गढ़वी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में सबकी नजरें अब बीजेपी के सीएम उम्मीदवार के चेहरे पर जाकर टिकी हुई थी और सब कयास लगा रहे थे कि आखिर मोदी शाह किसके नाम पर मुहर लगाते हैं या फिर दूसरे राज्यों की तरह यहाँ भी बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ती है। तो आपको बता दें, अब तस्वीर साफ हो गई है और बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और बता दिया है कि गुजरात में वो किसके चेहरे पर चुनाव लड़ने को तैयार है। गृहमंत्री अमित शाह ने अपने इंटरव्यू के दौरान ये बातें साफ की कि बीजेपी किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें, एबीपी न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में अमित शाह से सवाल किया गया, तो ऐसा मान सकते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा भूपेंद्र भाई है और चुनाव के बाद भूपेंद्र भाई मुख्यमंत्री होंगे। इसके जवाब में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में चुनाव हो रहे हैं, भूपेंद्र भाई पटेल के नाम पर ही मैंडेट मांगना है, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, उनको ही गुजरात की जनता मुहर मारेगी, इसमें परिवर्तन की बात ही क्या है। गृहमंत्री अमित शाह के बयान ने बता दिया कि मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ही उनके उम्मीदवार होंगे और उनके ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। गौरतलब है, गुजरात में चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। गुजरात में कुल 182 विधानसभा सीटें हैं जिस पर दो चरणों में मतदान होने हैं। गुजरात में पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग 5 दिसंबर को होगी। मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 8 दिसंबर को मतगणना कराई जाएगी। गुजरात में इस वक्त 4,90,00,000 से अधिक मतदाता हैं। वहां पर अब की बार त्रिकोणीय लड़ाई दिख रही है। बीजेपी कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी मैदान में दम दिखा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि सत्ता पर कौन काबिज होता है। फिलहाल बीजेपी के सीएम उम्मीदवार भूपेंद्र भाई पटेल के नाम से आप कितने सहमत हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।